Hello students, welcome back. Today we are going to start with the topic that is Esquelhelminthes. Esquelhelminthes ka second name hai Nemeithelminthes and common name hai roundworms. As we have seen that Platyhelminthes are the flatworms. Unki jo body hoti hai wo bilkul flat hoti hai, that is plate like. In the same way, जो Esquelhelminthes होते हैं, they are round, that's why they are known as the roundworms. It can be known as Esquelhelminthes roundworms, or the other name is Nemeithelminthes as well. Okay, Esquelhelminthes, Nemeithelminthes, and roundworm. This is the same thing. That is the same name, a different name of a same phyla. So as you can see that grades of organization herein are present organ system. Platyhelminthes में भी organ system था, Nemeithelminthes में भी organ system present है. You can see hookworm and ascaris. These are two very common occurring Esquelhelminthes, जो roundworms हैं, जो infection cause करते हैं human being में, जो disease cause करते हैं, जो reported है to cause problems in human beings. Ascaris आप देख सकते हो, ये dioecious है, इसमें male and female ascaris are different. ठीक है, male is short in length comparatively and female is longer in length. On the other hand, you can see यहाँ पे ये जो tail है, मेल की जो टेल है दैट इज राउंडेड, एक काफी हुक टाइप बनी हुई है, एंड फीमेल की जो टेल है दैट इज स्ट्रेट. बॉडी इज राउंड, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज द राउंडवॉर्म्स. सिमेट्री, इट इज हैविंग Esquelhelminthes आर हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री, दैट इज बॉडी इज डिविजिबल इनटू टू इक्वल पार्ट्स फ्रॉम अ सेंट्रल एक्सिस. सेंट्रल एक्सिस से हम बॉडी के हर पार्ट को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द बायलेटरल सिमेट्री. नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ Esquelhelminthes इज द फिलेरियल वॉर्म, दैट इज आल्सो नोन टू कॉज फिलेरियसिस, फिलेरियसिस, एंड दिस इज द लोअर लोअर इज आल्सो नोन एज द आई वॉर्म, दैट कॉजेज इन्फेक्शन इन द आईज, एंड इट कैन ऑल्सो बी सीन इन द आई. जब किसी की आई में इंफेक्शन होती है तो आई वॉर्म को हम लोअर को देख सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज पिन वॉर्म, एंटेरोवियस वर्मिक्युलरिस, दैट इज द पिन वॉर्म. जर्माइनल लेयर्स कितनी प्रेजेंट है? Esquelhelminthes आर हैविंग थ्री जर्माइनल लेयर्स, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. थ्री जर्म लेयर्स आर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. Ectoderm, mesoderm, and endoderm. Now, coelom. सिर्फ एक phylum है पूरे animal kingdom में जिसमें false और pseudo coelom present है, and that phylum is of Esquelhelminthes. Esquelhelminthes are having pseudo coelom, that is the false coelom. Pseudocoelom को false coelom क्यों बोलते हैं? क्योंकि its coelom is basically not covered with the mesoderm. जो real वाली coelom होती है, that is covered with the mesoderm. See, you can see here कि यहाँ पे है gut हमारा. There is a pseudocoel and muscular layer. There is a coelom, वो एक coelom present है, but it is not truly resembling to the right coelom. ट्रू सिलोम नहीं है, बट हाँ इवोल्यूशन की बात करें
तो सिलोम का ओरिजिनेशन शुरू हो गया था इन द केस ऑफ एस्केल हेलमेंथस. एस्केल हेलमेंथस इज द ओनली फाइलम दैट इज हैविंग अ फॉल्स सिलोम. ट्रिप्लोब्लास्टिक है, थ्री लेयर्स है, ऑर्गन सिस्टम है, सिलोमेट है, दैट इज स्यूडो सिलोम. Now, next, inka habit or habitat. See, they can be free living, they can be parasitic, in both plants and animals. ठीक है? But हमारे मतलब एस्केल हेलमेंथस are usually known to be parasitic. मतलब ये parasitic होने की वजह से ही ज्यादातर जाने जाते हैं, क्योंकि राउंड वॉर्म्स फिलेरियसिस cause करता है, लोअर आई वॉर्म है, आई इंफेक्शन कॉज करता है, हुक वॉर्म है, पिन वॉर्म है, दीज ऑल आर नोन टू कॉज द इंटेस्टाइनल इंफेक्शंस. इंटेस्टाइनल इंफेक्शंस जो पैरासाइट्स कॉज कर रहे हैं उनमें स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं. वो स्पेशल अडेप्टेशंस क्या है कि हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट है. हुक्स प्रेजेंट है अटैच होने के लिए बॉडी के साथ, सकर्स प्रेजेंट है बॉडी से ब्लड को सक करने के लिए, सक आउट करने के लिए. इनका जो हैबिटेट है एक्वाटिक भी हो सकता है एंड टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है एंड पैरासिटिक भी हो सकता है. पैरासिटिक हो सकता है प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी. ओके, सी एलिगेंस, केनो रैबिडेटिस. केनो रैबिडेटिस एलिगेंस इज ऑर्गेनिज्म. ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिज्म है डेवलपमेंटल बायोलॉजी को पढ़ने के लिए, इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए, जेनेटिक ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए. इट इज अ वेरी गुड जेनेटिक मॉडल जो यूज किया जाता है अपार्ट फ्रॉम द ड्रोसोफिला एंड पाइजम सैटो. सी एलिगेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बट आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो दिस थिंग कि सी एलिगेंस है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म माना जाता है, जिसकी वजह से हम स्टडी कर पाते हैं पूरे अच्छे से. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीट, दैट इज इट हैज बोथ माउथ एंड एनस. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है. कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब इट हैज टू ओपनिंग्स, एक अंदर एक इंजेशन के लिए, दूसरी इजेशन के लिए. एंड इनकम्प्लीट मीन्स एक ही ओपनिंग प्रेजेंट है, उसी से इंजेशन हो रही है, उसी से इजेशन हो रही है. डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब लाइक है, ट्यूबुलर है, वेल डिवेल्प मस्क्यूलर फेरिंग्स प्रेजेंट है. इसमें सिलोम भी प्रेजेंट है. स्यूडोसिलोम, स्यूडोसिलोम क्यों है? क्योंकि फर्स्ट पे जो सिलोम ओरिजिनेट हुई थी वो इतनी अच्छी नहीं हुई थी. इट वॉज अ फॉल्स सिलोम, इट इज नॉट रिजेम्बलिंग द ट्रू सिलोम. बट अगर हम नेक्स्ट, जब हम नेक्स्ट फाइलम की तरफ मूव करेंगे तो आप पढ़ सकते हो कि नेक्स्ट फाइलम में जो सिलोम है दैट इज रियली, दैट इज टोटली रिजेम्बलिंग, दैट इज वेरी एडवांस्ड एंड बहुत अच्छे से एडवांस फीचर्स शो कर रहे हैं. बट ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ? ओरिजिनेशन ऑफ इवोल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट. ओरिजिनेशन शुरू हुआ राउंड वॉर्म्स में, फिर जाके डिवेलपमेंट हुआ नेक्स्ट फाइलम. ओके, चलो एक बार हम डायग्राम को रीड अप कर लेते हैं. दिस इज द माउथ पार्ट, दिस इज द फेरिंग्स, दिस इज द इंटेस्टाइन, दिस इज द स्यूडोसिलोम, दिस इज द क्यूटिकल, क्यूटिकल इज द आउटर स्किन लेयर, माउथ प्रेजेंट है एंड लास्ट पे क्या है? एनस प्रेजेंट है. मीन्स देर आर टू ओपनिंग्स, मीन्स कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. Now see, retracted piercing device. Pierce करके मतलब कि उसमें कोई होल करके organisms क्या करते हैं? अपना खाना लेते हैं, ingestion करते हैं. Sometimes वो directly blood को ingest करते हैं, sometimes कोई solid food हो या bacteria हो या liquid किसी भी चीज को ingest करते हैं. There is a nerve ring present, मतलब nervous system भी है जो that is present, but it is underdeveloped. Excretory pore differently present है. Excretory pore and digestive system के ejection वाले pore में बहुत बड़ा difference है. Digestive system में हमारा
अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल निकलता है, एक्सक्रीशन में हमारा नाइट्रोजीनस वेस्ट निकलता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। और जो एस्किल हेलमिंथस है उनमें एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी फुली कंप्लीट है, ऑन द अदर हैंड इनके पास एक्सक्रीटरी एंड इजेस्टिव, डाइजेशन के लिए अलग से पोर प्रेजेंट है एंड एक्सक्रीशन के लिए अलग से पोर प्रेजेंट है। देन देयर इज द ओवरी एंड यू कैन सी द थर्ड पोर, दैट इज द रिप्रोडक्टिव पोर, थर्ड नहीं फोर्थ बेसिकली। अगर हम ओपनिंग्स की बात करें, ओपनिंग्स की बात पहले करते हैं, लेट अस सी इन द डायग्राम, दिस इज द फर्स्ट ओपनिंग दैट इज द माउथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गई एक्सक्रीटरी ओपनिंग दैट इज द जिससे नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल निकलते हैं। देन द थर्ड ओपनिंग इज रिप्रोडक्टिव पोर जिससे वो एग्स ले करते हैं एंड द फोर्थ ओपनिंग इज एनस। फेरिंग्स है जो इनमें, फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे फॉर रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। फेरिंग्स है इसमें प्रॉपर प्रेजेंट है, डिवेलप्ड है एंड मस्कुलर है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज बेसिकली एब्सेंट बिकॉज वी कैन सी दैट देर आर नो लंग्स, नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, नो रेस्पिरेटरी ओपनिंग, थस द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, हमें कोई हार्ट भी नहीं दिख रहे हैं और कोई ब्लड वेसल्स भी नहीं दिख रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज फुली डिवेलप्ड, नर्वस एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अंडर डिवेलप्ड एंड सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एस्किल हेलमिंथस इज एब्सेंट। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन डायोशियस, एस्किल हेलमिंथस आर डायोशियस, द सेक्सेस आर सेपरेट, देयर इज नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो फ्रेगमेंटेशन, एवरीथिंग इज प्रेजेंट थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The fertilization is internal. If these organisms are having reproductive pore, तो fertilization क्या है? Internal होंगे। जो male अपना gamete है, वो internally female की body में छोड़ के जाएगा। Development direct हो सकती है in some organisms and indirect हो सकती है in some organisms. मतलब larval stages देखने को मिल भी सकती हैं, नहीं भी मिल सकती हैं। यूनिक फीचर, यूनिक फीचर में राउंड वॉर्म, राउंड मीन्स राउंड, ठीक है। तो जो बॉडी ऑफ द एस्किल हेलमिंथस है वो क्या है, वो टोटली राउंड है। इसी वजह से इनको एस्किल और राउंड वॉर्म्स बोला जाता है। Body is a circular in cross section, syncytical epidermis, जो इनका epidermis है, epidermis क्या होता है, outer layer, skin layer को epidermis बोलते हैं। तो उन epidermis cells में basically multinucleated होते हैं वो cells and उनको हम syncytical cells बोलते हैं। This is important to remember that syncytical epidermis किस में present है, एस्किल हेलमिंथस में। What is syncytical? Syncytical means multinucleate. And a thick cuticle is present. Thick cuticle outside the body for protection, outside the skin it is present. Okay? Now the next thing. Unique features. An excretory tube to remove body waste through the excretory pore. First unique feature क्या था कि body round थी, syncytical epidermis था and thick cuticle present था. Fourth unique feature हमारा क्या है, that is कि excretory pore present है. Excretory pore to remove the waste or nitrogenous waste. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, जैसे हमने एस्किलस के केस में देखा था कि मेल इज अ शॉर्ट एंड विद द सर्कुलर टेल, उसकी जो टेल है दैट इज राउंड बेसिकली। ये आप देख सकते हो कि ये जो टेल है उसकी वो राउंड राउंडेड है, वो सर्कुलेशन शो कर रही है। ऑन द अदर हैंड फीमेल इज हैविंग अ स्ट्रेट टेल एंड फीमेल इज कंपैरेटिवली लॉन्ग,
ये क्या हो गया, ये हो गया सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अगर सपोज करो मैं आपके सामने एक एस्केरिस रख रही हूँ और आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? विद द हेल्प ऑफ टेल, टेल देखोगे, ठीक है? अगर बहुत छोटा है तो ऑफकोर्स दैट इज मेल, अगर बहुत लॉन्ग है तो ऑफकोर्स दैट इज फीमेल, बट मेन क्या होगा, टेल का भी फीचर आपको देखने से मिल जाएगा कि हाँ ये टेल राउंडेड है मतलब ये मेल है, टेल स्ट्रेट स्ट्रेट है तो मतलब ये फीमेल है। Now examples, Ascaris, hookworm, then Encyclostoma hookworm, and Wuchereria is the filarial worm that is causing filariasis. Wuchereria क्या कर देता है, ये muscles की swelling को cause कर देता है, जिसकी वजह से मसल्स जो हो जाती हैं स्वेल हो जाती हैं बहुत ज्यादा। सो ऑफकोर्स हम देख सकते हैं कि ग्राउंड वर्म्स है, थोड़े से एडवांस्ड भी है इन कंपैरिजन टू द प्लैटीहेलमिंथस, पॉरीफेरिन, नाइडेरियन एंड टीनोफोर्स, खतरनाक भी ज्यादा है, दे आर कॉजिंग रियली सीरियस डिसीजेस, है ना, सीरियस एंड पेनफुल डिसीजेस, हार्ड टू गेट रिड ऑफ। चलो अब हम ये कर लेते हैं, दोबारा से सारे कैरेक्टर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री इज बाइलेटरल, जर्म लेयर्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम इज स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोम प्रेजेंट है, हैबिटेट इज एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और पैरासिटिक, डाइजेस्टिव सिस्टम इज टोटली कंप्लीट, एडवांस्ड सिस्टम प्रेजेंट है इसमें, respiratory and circular system is absent, reproduction is dioecious and sexual dimorphism bhi kai baar show hoti hai, development is direct or indirect, fertilization hamesha internal hi hoti hai, internal fertilization, syncytical epidermis, thick cuticle, excretory tube to remove body waste through excretory pore, sexual dimorphism, Ascaris, Ascaris is the roundworm and Encyclostoma is the hookworm, which area is the filarial worm, okay? These are the characters at glance. ये आप देख सकते हो excretory canals present है, excretory tube के through जब excretion होती है and excretory pore से excretion जो है excretory material वो बाहर निकल जाता है। Next thing is triploblastic, three layers है, germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm, and sexual dimorphism is present। अब है ringworms। Ringworms annelids होते हैं, earthworm का फीचर है, ये comparatively बहुत ही ज़्यादा advanced हो गया, ठीक है? Eskill helminthus को फिर भी हम देखना मुश्किल, आंखों से देखना मुश्किल है, but चलो फिर भी we can see comparatively size जो है उनका small होता है, annelids तो बहुत ही advanced होते हैं, commonly found earthworm। इनको रिंगवॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है, टू सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है, ये जो आपको सेगमेंट्स दिख रही है ना, ये एक्सटर्नली ही नहीं इंटरनली भी प्रेजेंट है, मतलब कि हर एक ऑर्गन के अंदर अगर आप इसको डाइसेक्ट करके देखोगे तो आपको हर एक ऑर्गन के अंदर भी ये सेगमेंट्स मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफकोर्स, एक बार ऑर्गन सिस्टम शुरू हो गया तो ऑर्गन सिस्टम ही चलता रहेगा, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम। बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है, द बॉडी इज डिविजिबल इनटू टू इक्वल पार्ट्स फ्रॉम अ सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस से लेटरल एक्सिस से जो है हम उसको बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट। देन There are three germ layers for development. The development of organism is triploblastic development. Three germ layers present are endoderm, mesoderm, ectoderm. Coelomate, coelomate animals हैं ये. True coelom is present. True coelom का मतलब जो cavity है, basically cavity between the body wall and the gut is covered, is lined with the help of mesoderm. Mesodermal जो है
लाइनिंग कवरिंग है, उसकी लाइनिंग की कवरिंग है. नाउ यू कैन सी द ओवरव्यू. दिस इज द एक्टोडर्म, दिस इज द एंडोडर्म. एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म तो प्रेजेंट है, बट उसमें एक स्पेस भी है. इनसाइड द विजरल ऑर्गन्स एंड द बॉडी वॉल यू कैन सी अ कैविटी, एंड दिस कैविटी इज नोन एज द सीलोम. And coelom is lined by mesoderm. Thus, there is two true coelom present. Habitat, habitat. अभी तक इनका terrestrial है, fresh water और marine. Fresh water और marine दोनों में मिल सकते हैं. गीली मिट्टी के अंदर आपको earthworm देखने को मिलते हैं, ये आपको पता है. Free living है और parasitic भी है. बहुत सारे analysts क्या है, parasites भी है, and बहुत सारे जो है एनलिट्स दे आर फ्री लिविंग लाइक अर्थवर्म. अर्थवर्म कोई नुकसान नहीं करता हमें. ऑफ कोर्स किसानों को तो वो फायदा ही करता है, फ्रेंड ऑफ द फार्मर. डाइजेस्टिव सिस्टम इज टोटली कंप्लीट. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, ऑल ओवर द बॉडी फैला हुआ है. यू कैन सी ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन भी हमें विजिबल है, जो टिफ्लोस्टोल है. टिफ्लोस्टोल क्या होता है, इन फोल्डिंग ऑफ द गट, वो भी हमें विजिबल है. एंड सिलोम भी हमें विजिबल है. सो पूरी बॉडी में हमारा जो इसका है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो पूरी बॉडी में फैला हुआ है. इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी. एंड यू कैन सी देयर इज माउथ. माउथ लीड्स टू फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, देन क्रॉप, देन गिजर्ड, देन इंटेस्टाइन. अब देखो अर्थवर्म जो है, आपने सुना ही होगा बचपन में, फिफ्थ क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाई अर्थवर्म्स आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर. बेसिकली वो ऑर्गेनिक फूड को क्या कर देते हैं, फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, उनकी फ्रेगमेंट्स में उन्हें तोड़ देते हैं. अर्थवर्म में टीथ तो नहीं होते हैं, टीथ नहीं होते हैं, बट क्रॉप में वो क्या करते हैं, क्रॉप में वो फूड स्टोर कर लेते हैं. एंड गिजर्ड क्या करता है, गिजर्ड उस फूड पार्टिकल्स को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है. यहाँ बेसिकली गिजर्ड सिक्स टीथ का रिंग होता है, जो चर्निंग ऑफ फूड को में ही, मतलब फूड को बाइट करने में, च्यू करने में ही हेल्प करता है. बेसिकली दिस इज द पार्ट नोन एज गिजर्ड. देन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का तो काम है इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करना, देन उसको केमिकली मेटाबोलाइज करना. देन एनस के थ्रू क्या है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है. एंड वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल इतना ज्यादा फर्टाइल होता है, सॉइल को फर्टाइल कर देता है. दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर. वर्मी कंपोस्टिंग में हेल्प करता है हमें. ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपेयर करने में अर्थवर्म हेल्प करते हैं. अर्थवर्म अपनी बेसिकली बरोइंग वाली फैसिलिटी की, बरोइंग वाली कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये बरो कर सकते हैं सॉइल के अंदर, तो बरोइंग की वजह से ये सॉइल को बहुत ज्यादा फर्टाइल कर देते हैं. क्योंकि एयर जो है वो चली जाती है, एंड एयरी हो जाता है हमारा सॉइल, ऑक्सीजन रिच हो जाता है, जिससे रूट्स का भी फैलना क्या है, इजी है. ये नॉन फर्टाइल सॉइल को भी फर्टाइल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. सपोज करो आपके पास कोई नॉन फर्टाइल सॉइल है कुछ छोटे से एरिया में, अगर आपने वहां पे वेजिटेबल्स डाल दिए और थोड़े से अर्थवर्म डाल दिए, यू विल सी दैट आफ्टर सम टाइम यू कैन सी दैट कि वो वाला एरिया जो है काफी फर्टाइल हो गया है. किसने किया है, अर्थवर्म ने किया है. अर्थवर्म ने उसको एयरी भी बना दिया और उसको क्या कर दिया, फर्टाइल भी कर दिया, ड्यू टू द अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल, फीसिस की वजह से. अर्थवर्म की फीसिस की वजह से जो है सॉइल दैट इज एनरिच्ड. रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, गिल्स भी है कई कई ऑर्गेनिजम्स में. एंड क्यूटेनियस मतलब स्किन के थ्रू. क्यूटेनियस का मतलब है स्किन, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन. यू हैव टू रिमेम्बर दिस, स्किन रेस्पिरेशन थ्रू स्किन इज प्रेजेंट. एंड सम मे हैव ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. ब्रैंकियल रेस्पिरेशन का मतलब रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स. सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है, बहुत ही एडवांस फीचर है एनलिट्स में कि सर्कुलेटरी सिस्टम इनका, जो भी सर्कुलेशन हो रही है ब्लड की, हार्ट प्रेजेंट है प्रॉपर, एंड ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जाता है. ब्लड वेसल से ब्लड पास करके एनर्जी प्रोवाइड करता है इसको. दिस इज नोन एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. जब भी आप किसी अर्थवर्म को डाइसेक्ट करके देखोगे तो आप देख सकते हो उसमें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लोज्ड है. रिप्रोडक्शन, अर्थवर्म होते तो रिप्रोडक्शन तो हमेशा इसमें सेक्शुअल होती है.
होते तो मोनोशियस है, हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट मतलब दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो जल्दी मेच्योर हो जाते हैं एंड मेल सेक्स ऑर्गन लेट मेच्योर होती है। इसकी वजह से जो फीमेल है वो सेल्फ क्रॉस मतलब कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, उनको क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही करनी पड़ती है। एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जो इनडायरेक्ट कुकून फॉर्मेशन होती है, कुकून फॉर्मेशन की वजह से ये रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, दैट दे आर बेसिकली द लार्वल फॉर्म्स। यूनिक फीचर में इनमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन लाइक रिंग, रिंग लाइक सेगमेंटेशन जो है वो प्रेजेंट होती है हर एक अर्थवर्म में, एंड दैट सेगमेंटेशन इज ट्रू सेगमेंटेशन, नॉट ओनली एक्सटर्नली बट इंटरनली भी प्रेजेंट है। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स, इसमें जो मसल्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल भी हैं, आप देख सकते हो ये हाईलाइटेड है, दीज मसल्स आर द सर्कुलर मसल्स एंड दीज मसल्स आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, मतलब कि सर्क्यूलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जो वो मिलके इसको क्या करती हैं, मूव करने में हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से वो श्रिंक करने के बाद फिर आगे क्या करता है, मूव करता है। बेसिकली दीज आर फीचर्स दैट हेल्प इन इट्स लोकोमोशन। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर सीटे, ये आप देख सकते हो सीटे आर प्रेजेंट, हर एक एनिलिड में सीटे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऑलमोस्ट होते हैं, और पैरापोडिया हो सकते हैं इन नीरिस। अब ये सारी एग्जांपल्स है, अर्थवर्म है, देन यू कैन सी मिलीपेड्स एंड सेंटीपेड्स, नीरिस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनिलिड्स। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स मसल्स जो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है वो किस में हेल्प करती है, वो हेल्प कर रही है इसको मूव करने में, एंड पैरापोडिया फर्दर क्या है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो मूव करने में हेल्प कर रही है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया आर स्मॉल पोर्स जिसकी वजह से इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है वो बाहर निकलता है। गैंग्लिया, गैंग्लिया आर प्रेजेंट, दीज आर पेयर्ड गैंग्लिया एंड जिसकी वजह से ये नर्वस सिस्टम नर्व कंडक्शन कर सकते हैं। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल मतलब वेंट्रल साइड मतलब ऊपर वाली, अपर साइड इज द वेंट्रल साइड एंड डॉर्सल इज द डाउन साइड। वेंट्रल वाली साइड अपर वाली साइड पे इनकी डबल डबल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है एंड पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, नर्व कंडक्शन कर पाते हैं। एग्जाम्पल्स आर अर्थवर्म, लीच, लीच आपको पता है लीच इज अ पैरासाइट, अर्थवर्म का नेम है फेरिटेमा, लीच इज हिरुडीना एंड नीरिस इज द सैंड वर्म। यू कैन सी नीरिस के अंदर क्या होते हैं, पैरापोडिया होते हैं एंड बाकियों में सीटे लाइक स्ट्रक्चर। अर्थवर्म को कभी उठा के देखोगे आपको बहुत ही ज्यादा डॉर्सल साइड पे माइन्यूट से स्ट्रक्चर्स, माइन्यूट से सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, दे आर द सीटा। बेसिकली सीटा क्या करते हैं, मूवमेंट में लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। नाउ लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थवर्म एट अ ग्लांस। ऑर्गन सिस्टम इज प्रेजेंट, symmetry is bilateral, three germ layers are present, thus it is triploblastic, siloam is present, habitat is terrestrial, freshwater or marine, free living bhi ho sakte hain, parasitic bhi ho sakte hain, digestive system is complete, respiratory system is present, circulatory system is present, nervous system is also present, wo unique features mein aa jayega, respiration is cutaneous respiration, respiration through skin, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, अर्थवर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस, नीरिस इज डायोशियस। कई ऑर्गेनिजम्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं बट नीरिस क्या है, डायोशियस है, उसमें सिर्फ मेल एंड फीमेल अलग अलग है। यूनिक फीचर्स में ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्क्यूलर मसल्स प्रेजेंट है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स लाइक सीटा आर प्रेजेंट एंड एक्सक्रीशन इज डन बाय नेफ्रीडिया, पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट है, लेटरल नर्व्स प्रेजेंट है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट। नाउ यू कैन सी ऑल द एग्जांपल, लीच, लीच आप देख सकते हो दैट लीच इज बेसिकली ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म, ये ब्लड सक करता है एंड इट
it may cause infection and it may cause really painful things. Okay, students, so iske saath hi hamara aaj ka topic, that is phylum Escalhelminthes and Annelida, is over. I hope you got it. Interesting tha, samajh aaya. Koi bhi doubt hai to comment mein kar do, likh do. I'll solve that doubt. And thank you. Keep studying. Stay safe at home.